वेलकम एट मॉक एंड परमाणु वोकेबलरी सेशन जून 25th। और आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है मैम। मैम होता है इंजर और प्रोवाइड वाउंड एंड लीव परमानेंट डिसफिगरेशन और म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन वर्ड का मतलब होता है कोई भी अंग कट जाना। म्यूटिलेशन वर्ड का मतलब यहाँ होगा अंग का कट जाना। तो अपंग बना देना बोलते हैं मैम को। तो मैम वर्ड का मतलब होगा कोई भी अंग कट जाना जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल अपाहिज हो जाए या फिर उसकी जो फिगर है उसमें चेंज आ जाए। तो परमानेंट होता है वो, ठीक नहीं हो सकता, उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैम का वर्ड होगा यहाँ पर अपंग बना देना। पीपल वर मेम्ड बाई एक्सप्लोजन, यानी कि भूकंप की वजह से लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी या कहाव लगी जिसकी जिसको ठीक कर पाना मुश्किल था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्लैमेट। प्लैमेट होता है ड्रॉप शार्पली इन डाउन डायरेक्शन या फिर प्लंज, नीचे की ओर तेज तेज गति से गिराना या फिर गिरना खुद किसी चीज़ का। तो शेयर मार्केट प्राइस प्लैमेटेड टू एन ऑल टाइम लो, बिल्कुल नीचे की तरफ गिर गए हैं प्राइस, बहुत कम हो गए हैं। तो प्लैमेट वर्ड का मतलब यहाँ होगा ड्रॉप शार्पली इन डाउन डायरेक्शन। थर्ड जो वर्ड है वो है रिप्राइजल। रिप्राइजल होता है रिवेंज या फिर एवेंज, यानी कि बदला लेना। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गिव एविडेंसेस फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल। रिप्राइजल मतलब एवेंज या रिवेंज या फिर बदला लेना। फोर्थ जो वर्ड है वो वर्ड है डिंजी। डिंजी होता है, डिंजी वर्ड का मतलब होता है मर्की, मर्क या मर्की या फिर डार्क या डर्टी, धुंधला मैला गंदा, इन सब के लिए यूज़ किया जाएगा मर्की डार्क डर्टी। हु वॉश दीज डिंजी बेड शीट्स, इन गंदी मैली या फिर धुंधली बेड शीट्स को कौन धोएगा। तो यहाँ पे हम डिंजी इस तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एसिनाइन। नेक्स्ट वर्ड है एसिनाइन, और एसिनाइन वर्ड का मतलब होता है एस लाइक या फिर डॉल्ट या फिर फुलिश, यानी कि गधे के जैसा, मूर्ख और बोंदू। आर यू ए एसिनाइन, क्या आप मूर्ख हो। तो इस तरह हम एसी नाइन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एसी नाइन, नाइन वर्ड का मतलब होता है लाइक, तो गधे की जैसा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैपेसियस। कैपेसियस होता है ह्यूज अबंडेंट लार्ज इन कैपेसिटी। कैपेसियस का बेसिक मीनिंग होगा लार्ज इन कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी यानी कि मात्रा या फिर क्वान्टिटी में बड़ा हो, जो विशाल हो, जो बड़ा हो कुल मिला के बात ये है। शी कैरिड ए कैपेसियस बैग। कैपेसियस बैग का मतलब है, कैपेसियस बैग का मतलब है एक बड़ा बैग जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सेवन्थ जो वर्ड है वो है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड होता है कॉन्फिडेंस सर्टेनली ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी चीज़ की निश्चितता जो बताए उसको हम बोलेंगे सर्टिट्यूड, या फिर विश्वास से भी ऊपर वाला विश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस, उस चीज़ को बताने के लिए हम सर्टिट्यूड यूज़ करते हैं। द क्वेश्चन में नेवर बी आंसर्ड इन सर्टिट्यूड, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से वो गलत हो सकता है। तो इसलिए सर्टिट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस।